गुलबर्गा शहर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से तहफ्फुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें शेख बदीउज़्ज़मान मदनी, शेख अब्दुल गफ्फार सलाफी और शेख इमरान अहमद सलाफी के अलावा कई दीगर उलमा इकराम यहां मौजूद थे। मुल्क के मौजूदा हालात को देख तहफ्फुज़ इंसानियत के उनवान पर काफी कामयाब यह प्रोग्राम रहा, जहाँ गुलबर्गा के अलावा यादगीर, बीजापुर, बीदर, रायचूर, बेल्लारी और पड़ोसी रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ शिरकत किए थे। जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा और यादगीर के सदर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान की सदारत में यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मर्द हजरात के साथ यहां ख्वातीन भी कसीर तादाद में मौजूद थी। गुलबर्गा ओल्ड जवेरगी रोड मस्जिद आदम के अपोजिट जैन हॉस्टल ग्राउंड में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ तमाम जमीयत के जिम्मेदार उलमा इकराम के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल, एरिया कॉर्पोरेटर यल्लप्पा नायक, एक्स कॉर्पोरेटर राजू वाडेकर ने विजिट कर तहफ्फुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस की तारीफ की है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर काफ़ी अच्छी बात कर अमन और शांति का पैगाम दिया है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah ke fazl o karam se aaj shahr Gulbarga mein एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बउनवान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला और कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी मौजू था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, यानी इस्लाम ने किस तरीके से इंसानियत को उसके हुकूक़ दिए हैं और इंसानियत को मुख्तलिफ क्राइसिस से बचाया है और आज मौजूदा वक्त में इंसानियत को कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इस्लाम इसके ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करता है, इस पर मेरा खिताब हुआ और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म रहा और आसपास के बहुत सारे इलाकों से, दूर दराज के लोगों से, इलाकों से यहाँ सामईन आए, मर्द हजरात भी आए, ख़वातीन भी आई हैं बड़ी तादाद में। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला यहाँ की जो जमीयत है, मकामी जमीयत भी और जो गुलबर्गा और यादगीर की पूरे इलाके की जो जमीयत है, अल्लाह इस जमीयत को मज़ीद फ़ाल बनाए, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल करे और हमारे अमीर मोहतरम को भी अल्लाह ताला मज़ीद सेहत व तवानाई अता फ़रमाए और इनके ज़रिए मज़ीद काम ले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिही अला। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ्फुज़ इंसानियत के नाम से ये शानदार कॉन्फ्रेंस, तारीख साज़ कॉन्फ्रेंस है कि इस कसीर तादाद में लोग गिरदोबेश थे और दूर दराज से भी आए और बहुत ही पुरसकून माहौल में लोगों ने कुरान सुन्नत और सलफ उम्मत की बातों को सुना और इंशाल्लाह हम ये नेक फाल लेते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इंशाल्लाह ये अमन शांति का काफ़िला इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर से निकल कर करियों तक और देहातों तक और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा और हम शायर के इस शेर के साथ आग को मुबारकबादी देते हैं, जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तुमने वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जो मरकज़ी उलमान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के नाम से जो शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब ने बयान किया और ज़िम्न में दूसरे उलमा के भी जो बयान हुए, इंशाल्लाह इनको इसको गिरह बांध लिया जाए और इसके लिए अमली तौर पर हम प्लानिंग करें कि हम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत किन बुनियादों पर करें और सहाबा और सलफ़ सालेहीन का मनहज क्या था और हमें कैसे इस काम को अंजाम देना है, ये इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि आसमान से बारिश तो हुई लेकिन अगर सिंचाई नहीं होगी और आबियारी नहीं होगी तो पानी सूख जाएगा और बेफायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ हमने सुना है इसको अमली तश्कील दिया जाए और चंद लोग कम से कम खड़े हों जो इस काम को अमली जामा पहनाए। और मैं बहुत सारे गैर मुस्लिमों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग इस बात का अज़्म करें कि इंशाल्लाह हम ज़रूर आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे कॉन्फ्रेंस की और इंशाल्लाह उलमा की रहबरी में और कायदीन की सरपरस्ती में हम आगे बढ़ेंगे और खुसूसियत के साथ बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला उनका साया कौम मिल्लत पर तादीर कायम करें और अल्लाह ताला दीन मतीन की पासवानी का काम ले। सुभानक अल्लाहुम्म बिहम्दिक वशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वस्तग़फिरुका वअतूब इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिही नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के उनवान से एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में मुझ तालिब इल्म को शरीक होने का मौका मिला। लोगों की एक बड़ी तादाद, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने आज यहाँ उलमा के बयानात से फ़ायदा उठाया, खुसूसी तौर पे
उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतु शेख बदीउ ज़म्मा मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उनका जो उनवान था फ़िरक़ा नाजिया के ताल्लुक से कि इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ तभी हो सकती है कि जब इंसान उस फ़िरक़े में आए जो फ़िरक़ा जहन्नम से नजात पाने वाली है। ऐसे ही शेख मोहतरम फ़ज़ीलतु शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, उनका जो मरकज़ी उनवान था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, उस पर उन्होंने बेहतरीन अंदाज से रोशनी डाली और हम तालिबे इल्मों के लिए इसमें मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन और बड़ी रहनुमाइयाँ हैं। और मुझ तालिबे इल्म को ख़वातीन के हकूक़ और उनके फ़राइज़ पे बोलने का हुक्म हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि ख़वातीन के ताल्लुक से जो हकूक़ इस्लाम ने फराहम किए हैं, दिगर मज़ाहिब में वो चीज़ें हमें देखने में नहीं आती हैं। तो दुनिया के अंदर किसी कोने में किसी खित्ते में बसने वाली कोई भी खातून हो, वो अगर वाकई चाहती है कि वो कामयाब हो जाए दुनिया में भी और दुनिया के बाद की ज़िंदगी में, तो उसे चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात का मुताला करे और इस्लाम के दामन में आए। इसलिए कि इस्लाम ने उसे जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, दुनिया का कोई मज़हब उसके लिए ऐसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता है। ऐसे ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी गुलबर्गा की जमीयत का और ख़ुसूसी तौर पर अपने बाबा ख़ान साहब का, जिन्होंने मुझ तालिबे इल्म का इंतखाब किया और यहाँ मुझे आने का मौका मिला, और आपके तमाम जमीयत के अफराद का जिन लोगों ने इतने बेहतरीन अंदाज से आज के इस प्रोग्राम को चलाया, और ख़ुसूसी तौर पे मकामी उलमा का जिन्होंने बड़ा साथ दिया हम तालिबे इल्मों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बाबा खान साहब के नेतृत्व में, तमाम पूरे कुबर के माइनॉरिटी भाई अच्छी तरह से बहुत अच्छा लोगों को बुला के यहाँ आदमी को पहले आदमी बनना। आज के दिन में बहुत पूरे विश्व में जो आदमी पैदा हुआ, जब से कुछ भी नहीं था आदमी था, अब पैदा होने के बाद वो जात ये जात पात पात सब पैदा हुआ, इसको आदमी ने आदमी समझना। वही जलसा इधर चल रहे, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम तमाम हमारा गुलबर्ग के तरफ से, क्यों बोलते अच्छा संदेश जा रहे लोगों को मालूम होना जी हम सब एक ही है, आदमी बोले तो सब एक रहते, इसके ऊपर भी हम हमला नहीं करना, किसके ऊपर देश नहीं करना, सबको भाई भाई जम उनके समझना। आज इतना दिन है संक्रमण बोलते कुसरड़ा देते हम सब भाई भाई बोल के समझ के, वो ईद है, वो ईद के टाइम पे ये भी अच्छा जलसे चल रहे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। रहमत नगर के इस मैदान में शानदार जलसा जो हो रहा है, इसके इंतजाम के बानी और शानी जनाब आलम प्रभु पाटिल साहब और जनाब यल्लप्पा नायकोडी साहब इस एरिए के कारपोरेटर और एक्स कारपोरेटर हमारे राजू वाडेकर साहब, इन तीनों का ऐसा ताउन रहा इस जलसे के लिए। एक ने जगह का इंतजाम करके दिया, दूसरे ने इस जगह की तैयारी की भरपूर, उन्होंने जो है कारपोरेशन से जो भी हो सकता है तमाम सहूलत अता फरमाई, एमएलए साहब ने पूरा जो है पुलिस महकमे को बोल के इंतजाम को बोल के जो भी इस जलसे के लिए ज़रूरत पड़ती है एमएलए साहब भरपूर अपना जो है ना ताउन दिया है। हम दुआगो हैं इन तीनों के लिए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे और इनको तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर में जो एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कामयाब रही, और जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसका उनवान मरकज़ी उनवान जो था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो उलमाए कराम मेहमान मुकर्रर आए थे, जो बिलखसूस शेख बदीउज़्ज़मा मदनी साहब और शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब, इमरान सलफ़ी साहब, जिनके ईमान अफरोज बयान से जो है काफ़ी लोग मुतासिर रहे, और आज की इस कॉन्फ्रेंस में दूर इलाके से बिलखसूस बीजापुर बीदर और यादगीर और गुलबर्गा ज़िले से जो लोग आए थे और कसीर तदाद में लोग आए थे, और माशाल्लाह ख़वातीन का भी एक बड़ी ज़म्मे गफ़ीर के ख़वातीन भी जो जमाए थे। मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के आने जाने को कबूल फरमाए, और बिलखसूस जो है आज का जो उनवान था जो लोगों के लिए जो है बताया गया तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कैसी की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग सुनकर इत्मीनान से जो है आज घर पे जा रहे हैं, और मैं अवामुन्ना से गुजारिश करता हूं जो आज सुन के जा रहे हैं उस पर अमल करें, और ताकि जो है एक माशरा एक मजबूत बन सके। मैं आखिरी में तमाम हाजरीन का जो लोग आए हैं और जो लोग सुने हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए।
दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एमएसके मिल रोड अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक बिजगोरी गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड अल शरई पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड एडमिशन आर ओपन कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स